हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चने की ऐसी रेसिपी, यकीन मानो बहुत मज़ेदार, और मैंने थोड़ी स्पाइसी बनाए हैं क्योंकि थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए ना बनाने के बाद, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और एक बार भाई बनाकर ज़रूर खाइएगा, यकीन मानो बहुत पसंद आएंगे, और आपके घर पर जो भी खाएगा ना पक्का दोबारा आपसे फरमाइश करके फिर से बनवाएंगे। तो फिर चलिए फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पहले चने को धुलकर ना पूरी रात भिगोकर रख दिया था, और अगले दिन इसको उबाल लिया सुबह में। और उसके बाद हमें करना क्या है ना, हमने यहाँ एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया, चुटकी भर हींग डाली, और उसके बाद 3-4 लाल साबुत मिर्च को छोटा छोटा काट लिया, एक छोटी चम्मच जीरा, और एक मीडियम साइज का प्याज जिसको फाइन चॉप कर लिया था। तो प्याज जब ब्राउन पड़ने लगे ना, इस सबको हमने ऑयल में डाल दिया, और उसके बाद जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन पड़ने लगेगा तब हमें यहाँ टमाटर डाल देना है। अच्छा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिस तरह से हम यहाँ चने बना रहे हैं, क्या आपके घर पे भी इस तरह से बनाए जाते हैं, आपको पसंद है या नहीं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ एक बड़ा टमाटर जिसको फाइन चॉप कर लिया है, 4-5 हरी मिर्च जिसको छोटा छोटा काट लिया है मतलब बारीक, और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट, इसको पहले हम मिला लेंगे, और टमाटर जब सॉफ्ट पड़ जाएगा तब हम यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो भाई हाई फ्लेम पर फटाफट इसको चलाते हुए हम बना रहे हैं, और टमाटर यहाँ सॉफ्ट पड़ने लगा है। तो हमने यहाँ पर जो मसाले लिए हैं वो 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हमने भुना जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भर के आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ हमने लिया है मतलब आधी छोटी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, और इस सब को अच्छे से फटाफट हम मिला लेंगे। अभी हमने पानी नहीं लिया है, और ये देखो मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है। और यहाँ पे हमने ना जो पानी ऐड किया है थोड़ा, तो जिसमें चने उबले थे, उबले हुए चने का जो पानी था हमने वही वाला लिया है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को थोड़ा और अच्छे से भून लेंगे, और जब तेल अलग दिखने लगे मसाले से तब हम यहाँ चने ले लेंगे। चने ऐड कर देना है, और चने में ना थोड़ा सा पानी था इसमें, तो हाई फ्लेम पे फटाफट इसको हम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि चनों में हल्का हल्का पानी है तो हाई फ्लेम पर इसको चलाकर बनाइए, अगर पानी नहीं है तो लो फ्लेम पर इसे तब तक पकाइए जब तक कि मसाला ना चनों में चिपक नहीं जाता। और ये परफेक्ट एकदम बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल पानी नहीं बचा है और मसाला चिपक गया है चनों में। अब हम इसे गार्निश कर देंगे फ्रेश कटे हुए हरा धनिया से, थोड़ी सी हरी मिर्च से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट कर दिएगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में प्रेस कर दिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।